मेरठ जिले के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में एक तेंदुआ घर में घुस गया। तेंदुए को देख इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ 8 फुट की दीवार कूदकर भाग निकला। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तेंदुआ भाग निकला। हालांकि तेंदुए के फरार होने के बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, साथ ही साथ लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी गई है। जितना भी प्लानिंग के साथ में हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया था, एग्जीक्यूट भी उस हिसाब से होना था, बट भीड़ की वजह से जो आवाज़ थी उसकी वजह से विचलित हो जाता है वन्यजीव, जो कि हम अभी भी अनुरोध कर रहे हैं सभी से कि वन्यजीव को बिल्कुल शांति से शांत रह के हम लोगों को बचाना है, अपनी भी सुरक्षा करनी है। तो लोगों से अनुरोध है कि अपना जो है धैर्य बनाए रखें। टीम यहाँ पर मौजूद है, हम लोग की पूरी प्लानिंग से एग्जीक्यूट हम लोग कर रहे हैं। लेपर्ड की सूचना प्रातःकाल सुबह 8:30 से 9 के बीच में वन विभाग को प्राप्त हुई, जिसके बाद में टीम यहां पर पहुंची और एक घर में तेंदुआ छुपा हुआ था। पूरी प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में जाल भी लगाया गया। हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करने ही वाले थे, जैसे कि उसमें बीच में इतना शोर हम लोगों का हो गया, तेंदुआ घबरा के दोबारा से बाहर निकलाया है। दोबारा से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से जाल लग गए हैं। पूरी प्लानिंग हम लोग दोबारा से फ्रेश तरीके से कर रहे हैं। 2-3 टीमें और हम लोगों ने बाहर से भी बुलाई हैं, ताकि हम लोगों को अभाव रिसोर्सेज का ना रहे। और आप तो देख पा रहे हैं कि हम लोग पूरे उससे लगे हुए हैं कि हम लोग इसको रेस्क्यू कर पाएँ, सेफली रेस्क्यू कर पाएँ। पब्लिक से भी अपील है कि पब्लिक शोर ना मचाए, जितना शोर करेंगे उतना ही वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा एग्रेशन आता है, स्ट्रेस में होता है। जितना एनिमल स्ट्रेस में होगा उसको पकड़ने में उतना ही हम लोगों को परेशानी होती है। हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस हैं हम लोगों को कि हम लोग इसको आराम से ट्रैंकुलाइज करके, या जैसे भी हम लोग को मौका लगेगा, इसको हम लोग रेस्क्यू करके सेफली रिलीज़ कर पाएंगे। और आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि भीड़ हम लोग भीड़ का नियंत्रण कर पाएं। थैंक यू। बेटा बाहर निकला, उसने जैसे ही गेट खोलने को हुआ, उसकी नज़र पड़ गई हमारे गेट के अंदर ही साइड से, वो छिपा हुआ बैठा था तेंदुआ। ये भी डर का सहमे हुआ, ये अंदर आया, इसने गेट बंद करा, आगे जो अड़ोस पड़ोस है, फिर इसने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे तेंदुआ है और हमारे घर के अंदर ही बैठा हुआ है ये।